AHN News, खबर दुनिया भर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम समीर है और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ AHN News वालों का, जिसने मुझे ये मौका दिए कि मैं अपनी बात आप सब तक पहुँचाऊँ। और है तो मेरी बात का ये मकसद ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं, 2BHK स्कीम यहाँ पर तेलंगाना में शुरू हुई थी आज से 10-12 साल पहले। तकरीबन पब्लिक ने इंतज़ार किया और आवाम पूरी है तो इंतज़ार में ही है अभी तक। कीस मिल गए, पट्टे मिल गए, सब मिल गए, मगर ये तो अभी हैंड ओवर नहीं किया गया। अब जैसे कि अब जानते हैं कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन कोड आने की वजह से सारे स्कीमों को रोक दिया गया था, मगर अब इलेक्शन हो गए, इलेक्शन हो के भी 2 महीने होने को आ रहे, मगर अभी तक है तो आवाम को उनके हैंड ओवर नहीं करे मकानात। तो हम CM साहब से ये कहना चाह रहे, ज़रा आप हमारी तरफ भी गौर करिए और जो पहली गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो आवाम से जो वादा किया था आप उसे पूरा कीजिए। और रही बात यह है कि जैसे कि अब इलेक्शन हो के 2 महीने हैं, फिर 2-3 महीने में फिर इलेक्शन है, तो आवाम के खाली इंतज़ार में ही रहना है क्या? अब एजुकेशन का मसला रहता बच्चों का, अब तकरीबन एजुकेशन के 2-2.5 महीने बचे हुए, 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा बचे हुए, उसके बाद तो नया साल शुरू होता। तो उससे पहले पहले अगर आप जिसके भी नाम लकी ड्रॉ में उठे उनके मकानात आप हैंड ओवर कर दिए तो बड़ी मेहरबानी, और आवाम की भी परेशानी नहीं होती एजुकेशन, फिर नया साल का जो शुरू होता तो जो भी लोग वहाँ पर शिफ्ट होंगे तो वो अंदाज पे बच्चों को वहाँ पर एडमिशन देंगे। और एक बात ये आप तक पहुँचाना था, जैसे कि अब डबल बेडरूम सबको अलाटमेंट जिस जिस को भी दिए तो वो सारी फैमिलीज जब वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी तो एजुकेशन का मसला और हॉस्पिटल का मसला है और ज़रूरत ज़िंदगी के सामान का है, तो उस ताल्लुक से आपने क्या जियो जारी किया और क्या उसकी तैयारी है ये आप आवाम को बताएं तो आवाम मुतमईन होंगी। या एक वक्त बता दीजिए आप कि महीने भर में या 2 महीने में या 3 महीने में आप हैंड ओवर कर देंगे मकान, या उसका कुछ प्रोसेस और करने वाले हैं आप, तो आवाम क्या मुतमईन होंगी। अभी आवाम क्या परेशान हो रही कि कब हमको मिलता या नहीं मिलता, अब फिर आगे क्या होता, फिर अब 2-3 महीने के तक अगर नहीं मिला तो फिर बच्चों का यही एडमिशन रहता, फिर उसके बाद यहाँ से निकाल के फिर दूसरे जगह एडमिशन कराना बच्चों का। तो बेहतर ये रहता कि आप है तो जल्द से जल्द इस ताल्लुक़ से कुछ फ़ैसला लीजिए। आवाम बहुत बेचैन है और आपके क्या बोलते आपके फैसले के इंतज़ार में हैं, तो आप हम सबको उम्मीद है कि आप हमारे हक़ में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा फ़ैसला लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। AHN News को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।